मुझे एक जानकारी मिली है ऊपर से कि हेलो हमारा जो एक पत्रकार आपके पास आया था तो आपने उसके साथ बदसलूकी की है, तो उस विषय में मैं आपसे चर्चा करने आया। मारहाण की उसको आपने बात क्या सुन रहा है, उस विषय में मैं आपसे चर्चा करने आया। हमको ऊपर से जो हमारे संगठन है पत्रकारिता संगठन, उन्होंने बोला है कि भाई वहां पे जाके सर से मिलो, हो सकता है लड़का झूठ बोल रहा है या सर से क्या, हम सिर्फ आपसे बात करने हैं। मैं मेरे अधिकारी से बात करूंगा, तुम्हारा से बात करने कोई फायदा नहीं है। नहीं तो आप मुझे बैठ दे सकते ना? नहीं दे सकता, नहीं देता मैं बैठ, मेरी मर्जी का सवाल है। ये तो दादागिरी हो गई सर। नहीं दादागिरी का क्या मतलब? नहीं दादागिरी का गाली गलौज कर रहा तुम्हारे को क्या कर रहा? दादागिरी का विषय नहीं है। ये मोबाइल में वीडियो बना, आप सीधे पूछ रहा हूँ क्या विषय? मैं एक आदमी पत्रकार हूँ, मुझे आपसे एक जानकारी मिली है कि यहाँ पर कल जब नए पत्रकार आए थे उनके पास में कंप्लेंट थी कि भाई यहाँ पे जो हॉस्टल के अधीक्षक है तो हॉस्टल में लोगों को खाना ठीक से नहीं मिल रहा, इस वजह से कंप्लेंट के लिए वो व्यक्ति आपके पास आया था। लेकिन वहां से जानकारी मिली कि आपने पत्रकार को हिलका के यहाँ से भगाया, उसकी बेइज्जती की, ऐसी मुझे जानकारी मिली है। तो इस जानकारी के लिए मैं आपके पास आया। आपका पूरा नाम क्या? मैं बाइट ही नहीं देता ना, कोई जबरदस्ती है क्या? कोई बाइट नहीं, मैं आपको कुछ जबरदस्ती नहीं कर रहा। नहीं देता ना, मैं बता रहा ना आपको। हाँ। मैं बाइट नहीं दे रहा। क्या सामने वाले व्यक्ति को मैं खुद बोलोगे यहाँ पर? हाँ बुला लो। जिसके साथ में आपने बदतमीजी की। मैं क्या बोल रहा है, अगर किसी ने तकरार दिया होंगे तो वो तकरार करने वाले पहले मेरे पास आएंगे ना, आप लोगों के पास थोड़ी आएंगे, बरोबर है? कि क्या इशू है क्या नहीं, पहले मेरे साथ डिस्कस करेंगे ना, जिनने भी तकरार दिया। इनको 3 हफ्ते से खाना मटन क्यों नहीं मिला, वजह? हेलो, 3 हफ्ते से पूछ लो बच्चों को, मेरे से पूछने की बजाय बच्चों को पूछ लो। तो हम आपसे पूछ रहे हैं ना सर, मटन दिया है ना, मटन और चिकन दिया है। अभी बुलाया तो आप बोले कि मैं इधर चिकन के तरफ हूँ, आप आए नहीं उधर। नहीं मेरे को बुलाना आया नहीं था ना, आप इधर बैठे हो। हाँ ना, तो बरोबर है ना, उनका वो लगा दिया ना पहले गर्म पानी, ये वो होना बोले उनको। तो एक पत्रकार होने के नाते मैं आपका हॉस्टल देखना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? नहीं, मुझे हॉस्टल देखना है। नहीं कोई जरूरत नहीं ना, मेरा अधिकारी आएगा हॉस्टल देखने। आपको पत्रकार को देखने की परमिशन नहीं है? हाँ, पत्रकार को देखने की परमिशन नहीं है। पहले एक बात बताओ, आपने आने की परमिशन सर है? अच्छा, परमिशन लेना नहीं पड़ेगा आपको। हम पब्लिक सर्वेंट है। कौन पब्लिक सर्वेंट? हम है, तुम नहीं भी है तो उसके साथ साथ हम भी। हाँ, ये हमको ऐसे नहीं देते, हमको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। कैसा आप बताओ, आप किधर भी थोड़ी जा सकते हैं। एक आवास अधीक्षक हमको बताएंगे कि भाई आपको परमिशन लेकर आना पड़ेगा, मतलब शासकीय भी मैसेज है ना, हम तो कहीं भी जा सकते हैं। नहीं नहीं, अगर आपकी वजह से, अगर हमारे बच्चों के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, उनको बराबर नहीं मिल रहा है, मैं जवाब तो उसकी देखरेख करना हमारा काम है। मैं जवाब, अगर आप उनको अगर उल्टे धमकी देकर अगर भगाते हैं तो गलत है, इसका हम लाइव निश्चित कर रहे हैं। मैंने आपके बात करने के तरीके से समझ में आता है, किनको भगाया? आप सीधे सीधे दादागिरी कर रहे हैं, भगाया विषय उसका कुछ नहीं। आपका आवाज देखना है, हमको तुम्हारा पुराना दिखाओ। मैं क्या बोल रहा है, देखो ना आवाज, देखो ना बच्चों। नहीं तो अभी आपने बोला ना कि कुछ बच्चों को कम ज्यादा हो गया, हमको आपका पुरौठा चेक करना है, आप दिखा रहे या नहीं। बाहर का नहीं बता रहा, बाहर का व्यक्ति अगर कोई आ रहा होगा तो मैं उनको सीधा पूछूंगा, क्योंकि ये है निवासी स्कूल। मैं आपको पहचानता नहीं, आप कौन है क्या है ये बता रहा हूँ। तुम रेगुलर ड्यूटी करते क्या? ठीक है, हाँ अभी मैं आया था परसों, आप गायब थे। तो भाई तुम क्या मेरे अधिकारी है क्या, बताने वाले रेगुलर ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो पत्रकार के साथ में किस तरीके से बात की जा रही है? तुम मेरे ये है क्या, अधिकारी है क्या? चलो ठीक है, आपकी भाषा ठीक है, इनकी भाषा देखो कि तो आप अपने प्रिंसिपल को बुलाओ कि हमने इनसे परमिशन लिया या नहीं। प्रिंसिपल रहने को प्रिंसिपल से बड़ा बड़ा है क्या तू? मैं नहीं हूँ ना, तो आप मेरे को कैसे ये कर रहे हो? आप प्रिंसिपल को बुलाओ, ड्यूटी नहीं करते, रात रात गायब रहते, यहाँ से पूरा सामान चोरी जा रहा, घर लेके जा रहे, हमको क्या जूते समझ कर रखे? तो प्रूफ दो ना भाई, तुम ऐसा ब्लेम नहीं कर सकते मेरे। ब्लेम करने का विषय नहीं है, तुम ऐसा अभी चावल में देखो कितने कीड़े और हुआ, साफ करना चालू है ना, साफ करना चालू है ना, वैसा थोड़ी अधिकारी है तुम। बच्चों को बैठ ले, बच्चों को पूछो खाना कैसा मिल रहा, क्या कैसा मिल रहा, तुम एकदम धड़ाधड़ आएंगे। तो फिर बच्चे भी ऐसा मिल रहा है, सर को पूछो पहले। बिल्कुल बिल्कुल पूछो ना तुम बच्चों को, बच्चों को बैठ लो ना। जिस तरीके से आपने बोला कि आपको मैं बैठ क्यों दूं, मेरे को अधिकारी है क्या? नहीं नहीं बरोबर है, पत्रकार को आप इस तरीके से बात कर रहे हो। मेरे अधिकारी ने मैंने आपका नाम पूछा। चलो खत्म।